हम बनारस में आए हैं और देखिए आप लोग के सामने कुछ भैंसें नज़र आ रही हैं। हम इस जगह से करीब 2-4 रोज पहले भी वीडियो बनाए हैं, है ना। आप लोग जान गए होंगे ये बनारस का कौन सा जगह है। सबसे पहले हम लोग यहाँ का पता वगैरह जानेंगे इन्हीं से, जो ये मैडम है। मैडम शुभ नाम? सुश्री अर्चना गुप्ता। अर्चना गुप्ता जी हैं और इन्हीं के पास हम आए हैं, पता भी बता दीजिए। ये अमरा है। अमरा, चितईपुर अमरा बताया जा रहा है इस जगह का पता, है ना। इनके यहाँ कुछ बिकाऊ भैंसे हैं, जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं ये एकदम हरियाणा से आई हुई भैंसे हैं, है ना। आप लोग को ये कंडीशन देख के बेशक नहीं लग रहा होगा कि हरियाणा की भैंस है, लेकिन वास्तविकता है ये हरियाणा से भैंसें महंगी खरीद के लाई गई थी। इनकी स्थिति के बारे में आप बताइए कि ये इस समय किस स्थिति में है। ये 2 महीने की जो है, हाँ, गाभिन है। गाभिन है, हाँ, हाँ। और इसको हम खरीद कर लाए थे 2.5 लाख का। 2.5 लाख में और सेल करेंगे इसको कम से कम हम 1.70 में। जी देखिए, कम में हम नहीं सेल कर। देखिए भाई लोग, जब ये भैंस यहाँ पे आई थी तो हमको तगड़ी थी, सेवा न होने के कारण इस समय ये भैंस का स्थिति ये है। जो ले जाएगा तो वो खुद जान जाएगा क्या चीज है। बाबू एक बार इधर ले आइए। ये जो चीजें आप लोग को बताई जा रही है एकदम वास्तविकता बताई जा रही है। इस भैंस को जो पहचानने वाले लोग होंगे वो पहचान गए होंगे। ये हरियाणा से काफी महंगी कीमत में इस भैंस को लाया गया था। आप लोग यकीन करें, जब हम बोल दिए तो समझिए कि विश्वास 101% आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इसकी वीडियो डिलीट हो गई है, अगर वीडियो अगर हमें मिल जाएगा तो इस भैंस का वीडियो को हम मेंशन करेंगे और आप लोग देख के समझिएगा कि इस भैंस की स्थिति पहले क्या थी, है ना। एक अच्छी भैंस है जी, सिर्फ केयर नहीं हो पाया है। इधर ले आइए भाई, इधर ले आइए, ऐसे घुमा कर ले, आराम से ले आइए, आराम से ले आइए। सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके यहाँ लेबर रहते हैं और कहीं ना कहीं लेबर के वजह से ही खाने पीने में कब खिलाना है कब पिलाना है कोई ध्यान नहीं दिया है। हम ज्यादा रहते नहीं है जी, मैडम का कहना है कि हम ज्यादा रहते नहीं है इसलिए। इसका दूध भी बताइए कि पिछले में दूध कितना दी है। 22 लीटर। बारह लीटर दूध है। ये 2 महीने की गाभिन भी बताई जा रही है। बच्चा दिए कितने दिन हो गया? ये हो रहा है 3 महीने। 3 महीने का बच्चा है इसके पास और ये सेल के लिए है। मैडम काफी शौकीन औरत है और कहीं ना कहीं अपने यहाँ बहुत सारी भैंसों को रखती हैं। तो इसका क्या दाम बता रहे? जाएंगे पंजाब अभी लेकर आएंगे। जी बात कर लिए हैं। मैडम जी का कहना है कि हम बात कर लिए हैं पंजाब में किसी व्यक्ति विशेष से और वहाँ से भैंस और लाएंगे। इन भैंसों का हटा करके इनका प्लान है कि फिर से नई भैंसों को लाया जाए। तो इसका दाम कितना बता रही हैं जी? सेल करेंगे हम 1,70,000। 1,70,000 लेंगे। दूसरी भैंस को आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यह पहली भैंस है। एक और भैंस को आप लोग देख रहे हैं, यह पहली पड़िया है, है ना। इसका बच्चा कितने दिन का हो गया जी? 5 महीने। 5 महीने का इसके पास बच्चा। क्या है बच्चा? पड़वा था लेकिन है नहीं। पड़वा था, शायद मर गया है ऐसा बताया जा रहा था पहले ही। जी हाथ से लगती है। ये भी पंजाब से ही आई है? हाँ, हरियाणा से आई है। हाँ, हरियाणा से आई है जी। हम इस भैंस को भी देखे थे जब ये भैंसें आई थी। तो इधर ले आइए भैया। जब ये भैंसें आई थी तो हम खुद यहाँ पे खड़े होकर देखे थे। काफ़ी सुंदर भैंसें थी लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी केयर ना होने के वजह से, अच्छे लेबर ना होने के वजह से भैंसें बिगड़ गई हैं। अभी दूध कितना है इसका? अभी दूध इसमें है 8 लीटर। ये दोनों टाइम का कि एक टाइम का? नहीं दोनों टाइम का है। दोनों टाइम का मैडम दूध बता रहे हैं। समय पे ये दी थी 15 लीटर। समय पे दूध 15 लीटर, 15 लीटर यानी 7.5 लीटर 7 लीटर इस तरह से दूध इसका रहा है। बहुत बढ़िया। इसको कितना में देंगी जी आप? ये लाए थे हम 2 लाख का। हाँ हाँ। और सेल करेंगे इसको कम से कम 1.5 लाख। 2 लाख में लाया गया था और 1.5 के करीब इसकी बिक्री मैडम जी बता रही है, है ना। 1.5 लाख। बहुत बढ़िया, ले चलिए। क्योंकि हम महंगे दाम में लाए हैं जी और जो लोग
40,000-50,000 कहते हैं उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भी समय बर्बाद जी बिल्कुल। इनका कहना है कि हम ऊंचा कीमत दे के लाए हैं भैंसों को, तो कहीं ना कहीं कुछ कीमत हम लेंगे ही लेंगे, है ना। एक और भैंस को दिखाया जा रहा है, मैडम इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये देखिए, इसको बच्चा दिए हुए 3 महीना हो रहा है जी, और इसमें दूध अभी 11-12 लीटर है। इनका कहना है कि दूध अभी प्रेजेंट टाइम में 11-12 लीटर है, है ना। भैंस काफी अच्छी है, जिस किसी व्यक्ति के पास ये भैंस जाएगी बन के ही देखने को मिलेगी। इसका जो शक्ल सूरत है बहुत ही अलग। इसको हम खरीदे हैं 1,90,000 में जी, सेल करेंगे इसको हम 1.5 लाख में। 1,90,000 रुपए की इस भैंस की खरीदी हुई थी इनका कहना है, और इनका कहना है कि मतलब 1.5 में हम इसको सेल करेंगे। 1.5 में। देखिए बहुत से लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, भाई इधर ले आइए, बहुत से लोग कमेंट किए थे कि विपिन भाई प्राइस नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम कीमत जानने के लिए ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोग को इस वीडियो में कीमत भी बताया जा रहा है। कीमत इसलिए गोपनीय रखा गया था कि बहुत से लोग जो है 50-60-70 वाली भैंसों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो शौखिया होता है तो पैसा नहीं देखता है, वो भैंस देख कर ही पहचान जाता है कि कहीं ना कहीं अच्छी भैंस है, तो कहीं ना कहीं अच्छे ही दाम में हमें लेना पड़ेगा, ऊंचा दाम दे के, है ना जी। क्योंकि देखिए मैडम भी उस समय जब भैंसें लाई थी तो काफ़ी महंगी भैंसें लाई थी, है ना। आप लोग यकीन कीजिए, है ना, जिसमें एक भैंस मैं भी यहाँ पे दिया था, वो भैंस अभी आप लोग देखेंगे। अपना संपर्क सूत्र भी बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क करें। देखिए नंबर तो हम आपको बता दे रहे जी जी, लेकिन उसमें ये बोल दीजिएगा आप जी कि हमें अनावश्यक लोग फोन ना करे, जिसको नहीं लेना है जी, वो फोन कर समय बर्बाद कर रहे हैं जी, अपना भी मेरा भी जी। मैडम का कहना है कि आप लोग तभी फोन करें जब आप लोग को भैंस लेना होगा तभी, है ना, ऐसा ना हो कि आप लोग अनावश्यक इन्हें परेशान करें। एक बड़ी कदकाठी की भैंस को दिखाया जा रहा है, इसका बॉडी का जो साइज है, बॉडी स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़े साइज की भैंस है, आप लोग आकलन कर लिए होंगे भैंस को देख के, और ये एक अच्छी दूध की भैंस रही है जी। इसके बारे में बताइए। ये भैंस हम लाए हैं 2,10,000 का जी, और इसको सेल करेंगे हम 1,30,000। इसके बारे में बताइए कि इसका बच्चा क्या है और कितने दिन का है। इसके नीचे वो है पड़िया है, इसके नीचे पड़िया हाँ, है कितने दिन की है। 5 महीने की है, 5 महीने की पड़िया है, 5 महीने पड़िया है दूध। गाभिन हम लोग कराए हैं 1 महीना का। अच्छा 1 महीने की गाभिन भी है। नहीं बता पाएंगे। अच्छा कंफर्म नहीं, नहीं। और दूध भी बता दीजिए कि इस समय इसका 10 लीटर है दोनों टाइम का। हाँ। 5-5 लीटर हाँ। और जब आई थी तो 18 लीटर जी, 20 लीटर ऐसे दी जी। बांध दीजिए इन भैंसों में से कोई भी भैंस अगर पसंद आ रही होगी तो इनसे जरूर संपर्क करिएगा, ये उचित दाम पे मिल जाएगी, भाव ताव करना पड़ेगा। क्या जी कुछ छूटेगा पैसा? जब बात होगा, जब सामने सामना तब ना आदमी बात करेगा जी, ऐसे जी। तो हम नहीं बता सकते, सोना तो है नहीं ना जी, हम बस एकदम नाप का नाप बताएं। कुछ मान प्रतिष्ठा रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे चैनल के लोग हैं कहीं ना कहीं सब लोग उसी स्थिति में रहते हैं कि विपिन भैया के द्वारा नहीं तो फिर आपके यहाँ आके कुछ हो जाए। विपिन भैया के द्वारा आएंगे तो विपिन भैया के द्वारा आए तो जानवर भी तो देखे ना, तो हम लोग का भी तो ख्याल करें जी। जानकारी के लिए मैं आप लोग को एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों। देखिए मैडम जी का कहीं ना कहीं क्षमता जो है पैसा वाला ऊंचा है, और उनकी खरीदी भी कहीं ना कहीं ऊंची रहती है जी, ये सत्य बात है। हाँ ये सत्य बात है, लेकिन एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इनके यहाँ जो लेबर आते हैं, मजदूर आते हैं, वो थोड़ा ढंग के नहीं मिल पाते हैं, और इसी वजह से जो भी मवेशी इनके यहाँ होती है वो बिगड़ती चली जाती हैं, है ना। इनका प्लान है कि अच्छा से अच्छा लेबर हम डालेंगे जी, और अच्छी से अच्छी भैंस फिर से डालेंगे ना जी, जी, जी। तो इसीलिए इन भैंसों को ये सेल करना चाह रही हैं, कोई भी भैंस इसमें से पसंद आ रही होगी तो आप लोग नज़दीकी आ करके बारीकी से इन भैंसों को देख के ले सकते हैं। सब की सब भैंस है, अदर जगह की हैं, बाहरी राज्य की हैं, आप ये कह लीजिए कि हरियाणा की ही भैंसें हैं, इसमें थोड़ा भी शक्का संदेह वाली कोई बात नहीं है।